गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ गए हैं लाजपत नगर शॉपिंग करने। चलिए, हम आपको लास्ट ब्लॉग में हमने आपको सरोजिनी मार्केट पूरा दिखाया था, उसके पहले मैंने आपको चांदनी चौक दिखाया था, अब हम आ गए लाजपत नगर मार्केट। तो हम आज एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और शॉपिंग करने के बाद हम दिखाएंगे घर पर जाके कि हमने क्या क्या लिया। वैसे तो कंटिन्यूसली बात करते हुए तो नहीं कर सकते कैप्चर, क्योंकि बहुत सारा क्राउड होता है, तो थोड़ा सा डर भी रहता है फोन ऑन छीने का। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर देती हूँ, तो पहले मैं दिखाती रहूँगी और आपको साथ साथ में बताती भी रहूँगी। तो लाजपत नगर में मैंने की सबसे अच्छे ज़्यादा शॉपिंग ब्लाउज़ की और सूट की, क्योंकि ये मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है साड़ियों के लिए, तो नहीं है सॉरी, सूट और ब्लाउजेस के लिए। जो स्टिच ब्लाउज़ मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ब्लाउज़ मिलते हैं, सब्बे सांचे हो गए, इनके डिज़ाइन पीसेस के पास बहुत होती हैं और मिलते हैं यहाँ पे। थोड़े से लहंगे वहंगे भी नॉर्मल मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कलेक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं होते। बट सूट और ड्रेसेस के आप कलेक्शन देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, जहाँ से आप ड्रेस वगैरह सूट वगैरह देखिए बहुत प्यारे प्यारे आप यहाँ से ले सकते हो। हमने भी देखा सूट और बहुत सारी चीज़ें देखी, बट अभी हमें इतना लेना नहीं था, हमने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की यहाँ से, क्योंकि हमारे कोई वैसे फंक्शन है नहीं। बट बस सिर्फ हम यहाँ पे आए थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं सारे मार्केट्स आपको दिखाऊंगी दिल्ली के जितने फेमस मार्केट्स हैं। तो ये सूट यहाँ पे सूट 200-300 रुपए से सूट के फैब्रिक स्टार्ट होते हैं और इतने अच्छे हैं ना, अगर एक बार आओगे ना तो आपको समझ में आएगा यार क्या लेते थे। क्योंकि हमें भी पता है, जब हम इसके पहले ना, हमें पता नहीं था दिल्ली में मार्केट से नॉल, तो हम शॉपिंग घर पे शादियाँ थी शॉपिंग कर रहे थे ना, इतने बड़े बड़े स्टोर से कि इतने महंगे किए ना, जब यहाँ पर आके हमने देखा भाई वो चीज़ें मैं देख रही हूँ अब इतना सस्ता है, वही क्वालिटी है, सब कुछ है, इतना सस्ता है भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते। बट आज जो दूर रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होता, बट जो पास रहते हो ना, तो आप एक सब मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करो शादी वादियों के सीज़न में। वैसे भी नॉर्मली कभी घूमने आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और रह मार्केट ये खुला रहता है, मॉर्निंग 10 o'clock से ओपन हो जाता है, रात के 8 बजे भी ठंड के सीज़न के हिसाब से जैसे मार्केट होता है वैसे ओपन होता है। बट आप थोड़ा जल्दी आओगे तो आपको क्राउड कम मिलेगा, वैसे लाजपत में ना क्राउड कम होता है अदर्स मार्केट से, सरोजनी और चांदनी चौक के हिसाब से तो मार्केट में बहुत कम क्राउड होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो लोग ज़्यादा जो यहाँ रहते हैं उनको आइडिया, तो वो चांदनी चौक ही जाते हैं। बट आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है सर ना, आपको आइडिया आता है शादी होने, तो आप जाके यहाँ पे शॉपिंग करो, आपको बहुत सारे कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, प्राइस भी ठीक है नॉर्मल, अगर आप जहाँ बाहर लेते हो प्राइस ठीक है। अगर जैसे नॉर्मली होता है ना यूट्यूब बहुत सारे पेजेस पर देख के हम शॉपिंग करते हैं, वो सब चीज़ें ना सारी चीज़ें सूट हो गए ड्रेसेस हो गए सारे मटेरियल्स वगैरह सब कुछ यहीं से ले जाते हैं और यहीं से वो हमें सेल करते हैं और हमें वो इतने ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट ये है कि जो नहीं रहते उनके लिए तो मजबूरी है भाई, उनको वहाँ से लेना ही पड़ेगा। बट जो यहाँ आस रहते हैं तो एक्सप्लोर ज़रूर करो, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएँगी, दुपट्टा सूट लहंगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होती है, यहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह सब मिलती हैं, ये सूट वगैरह हो गए इतने ज़्यादा फेमस, 200-300 रुपए में सूट हो गए, फुटवेयर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी इनकी चीप नहीं, क्वालिटी इनकी अच्छी है, बहुत अदर्स मार्केट्स इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ से भी मैंने की थी शॉपिंग, तो ड्रेसेस जब मैं पहनूंगी ना तो आपको बताऊँगी भी और आपको दिखाऊँगी भी, वही देखिए यहाँ की शॉपिंग की है मैंने और ये ड्रेसेस हमें कितने में पड़े हैं वो भी मैं आपको उसमें ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखिए ये फैब्रिक का मार्केट है, मार्केट का सॉरी स्टोर है, ये बहुत बड़ा बहुत पुराना स्टोर है, यहाँ पे लोग लहंगे एंड ऑल जितने भी इंस्टाग्राम एंड ऑल पे पेजेस हैं ना, सब कपड़े आपको देते हैं, आपको डिज़ाइन करके देते हैं, सारे फैब्रिक यहीं से ले जाते हैं, यहाँ पे इनके मोस्टली क्या होता है टेलर भी रहते हैं, अगर आपको उस टाइम चाहिए तो ये बना भी देते हैं। आपको बहुत सारे फैब्रिक्स वाइट में मिलते हैं जिसको आपको डाई कराना पड़ता है, कलर कराना पड़ता है, बहुत सारे चिकन का, इसलिए कि बहुत सारे ऑप्शन है, आप पॉइंट में बस सोचोगे यार क्या है। और हमें लगी थी भूख, फिर हमने खाए गोलगप्पे की बहुत सारी चीज़ें खाई, एक्सप्लोर किया और मस्ती। हम भी इयरिंग्स थे थोड़े थे, बट हमने तो ऑलरेडी तक ले रखा था, फिर भी एक दो तो दिमाग में फिर भी ज़्यादा ले रखी लेनी शॉपिंग की, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप देखो बहुत अच्छे 200-300 रुपये में बहुत ही अच्छे। तो अगर आप माइंड में कोई शॉपिंग करने का प्लान बना के आ रहे हो तो एक दिन पूरा टाइम निकाल के आओ, बढ़िया से एक्सप्लोर करो और पूरा लाजपत मार्केट, क्योंकि ये मार्केट मैंने मतलब तीन चार पाँच बार से कुछ ना, बट हाँ ये मेरी सिस्टर लोग आती है तभी मैं जाती हूँ यहाँ पे, और अभी मैं फाइनली आई थी इंडोनेशिया से, तो मेरा था माइंड में यार एक बार घूम के आती हूँ, फेमस है वो यहाँ पे मार्केट में मिलता है वो का। और फिर हमें फिर लग गई थी वो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एक्सप्लोर करते करते घूमते, फिर हम आ गए डोलमा आंटी के पास, था टिक्की वाला, क्योंकि डोलमा आंटी का हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इतना बेकार था ना, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया। बट ये सबने फेमस कर रखा है इनको, बट ये कोई टेस्ट नहीं है, आप एक बार जो खाता मुझे लगता है दोबारा खाता होगा, या उनका टेस्ट ऐसा होगा उनको बस पसंद आता होगा इनका तो वो खाते होंगे, अदरवाइज हमें डोलमा आंटी का मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं, इनका कोई भी डिश हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हमने खाया यहाँ का ये फेमस टिक्की, जो ये फिल रहता है अंदर दाल और उससे, और बहुत ही टेस्टी होता है, सिर्फ दिल्ली में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो
ये देखिए भीड़ आपको सिर्फ डोल मांटी की मोमोज की भीड़ है जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए सब लोग इतना ज़्यादा खा रहे हैं बर्गर की, पर मुझे पसंद नहीं आता है, सबको पसंद आता है पता नहीं क्यों आता है। या जो लोग नाम सुन लेते हैं ना डोल मांटी से सिर्फ नाम से फेमस होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाले, मुझे तो ये लगते हैं इनका बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारे भर के जब शॉपिंग कर ली, खा पीने के बाद हम आ गए थे घर वापस। और हम टिक्की बहुत टेस्टी था, सिस्टर ने ट्राई किया, सबने ट्राई किया, टिक्की इतना ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखो जैकेट वगैरह 200-300 रुपए में विंटर के जैकेट मिल रहे हैं आपको, और टिक्की भी टेस्टी था। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा शॉपिंग के बाद ना खाने का ही मज़ा है। और हमने आपको एक पूरा ब्लॉग दिखाया, सारी चीज़ें 2-3 मार्केट्स का दिखाया। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे लास्ट के ब्लॉग्स भी देख लेना, आपको सरोजनी और चांदनी चौक के मार्केट के ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। हम खाने पीने के बाद घर आ गए थे वापस, हमें लेट हो गया था, समय समझ में नहीं आया और हम लास्ट वाला सीन नहीं कैप्चर कर पाए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो और ऐसे ब्लॉग्स आपको देखना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।